वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा के लिए जनसभा के बीच भले ही चुनावी मैदान पर लगातार प्रचार प्रसार के बीच नजर आ रहे हो, लेकिन चुनावों के बीच शायर मुनव्वर राणा का ऐलान काफी हैरान करने वाला सामने आया। उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ अगर दोबारा उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे तो मैं छोड़ दूंगा उत्तर प्रदेश। उनके इस बयान के बाद काफी ज्यादा अफरा तफरी मच गई है, सियासी माहौल काफी गर्मा गया है। जी हां, कई मोर्चों पर योगी सरकार को घेर चुके मुनव्वर राणा ने इस बार कुछ अलग ही कह दिया। अपनी ही बात पर वो अटल नहीं रहे, लोग ऐसा कह रहे हैं, जिसके बाद लोग काफी भड़के भी हैं। बीजेपी नेता भी उन पर काफी भड़कते नजर आए। हाल ही में उन्होंने ब्रॉडकास्ट चैनल से बातचीत के वक्त कहा, सीएम योगी अगर उत्तर प्रदेश में फिर से सीएम बनते हैं तो वो छोड़ देंगे। उन्होंने कहा, अपनी मिट्टी को छोड़ना दुख तो होगा, लेकिन जब घोंसला खतरे में हो तो चिड़िया भी अपना आशियाना छोड़ देती है। ये था मुनव्वर राणा का कहना। सत्ते के लोग फरिश्ता बनकर अब निकल पड़े हैं, ये कहा है मुनव्वर राणा ने। उनको याद ही नहीं है कि जात पात के नाम पर क्या ज्यादतियां की उन्होंने, बुला दिया कि कोरोना में कितने लोग गए, कितने लोग पैदल गुजरते गए। इस चुनाव में सबका हिसाब किताब होना है, ये भी कहा उन्होंने। योगी आदित्यनाथ अगर यहाँ आए, दिल्ली कोलकाता चला जाऊंगा, मेरे पिता ने पाकिस्तान जाना मंजूर नहीं किया, लेकिन अब बड़े दुख के साथ मुझे ये शहर, ये प्रदेश, अपनी मिट्टी को छोड़ना पड़ेगा, ये कहा है मुनव्वर राणा ने। शायर के इस बात से लोग काफी खफा है। मुनव्वर राणा ने आगे ये भी कहा, इमरजेंसी से ज्यादा बुरा दौर था योगी सरकार का कार्यकाल। इमरजेंसी में सब परेशान थे, सब एक दूसरे को देखकर तसल्ली करते थे, अब वो परेशान है, हम भी परेशान है, लेकिन इन 4.5 सालों में योगी सरकार के निशाने पर सिर्फ मुसलमान ही थे। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मन में मुसलमानों को लेकर तल्खी तो मुख्यमंत्री बनने से पहले भी थी। उनके बयान किसी गुंडे के हो सकते थे, लेकिन किसी मुख्यमंत्री के नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के कंधे पर हाथ रखकर बुरा कर चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में भेदभाव फैला दिया। इस सरकार ने सिर्फ नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, हुआ कुछ नहीं। इनका बस चले तो प्रदेश से मुसलमानों को छुड़वा दे, उनके लिए दिल्ली कोलकाता गुजरात ज्यादा सुरक्षित है, ये कहना था इस वक्त मुनव्वर राणा का, जिससे काफी लोग खफा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।